लंबी जी लाइन तुम देख रहे हो कितने लगी हुई है, लगी हुई है एक्सप्रेस एंट्री के गेट के बाहर। तो कुछ एक स्मार्ट लोग भी है जेडे कि दूजा रस्ता ले लेंगे ने, वह है PNP का। सो सत श्रीकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विस तो मैं सतपिंदर पाठिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंसड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि अज मैं एक नहीं दो PNP ड्रॉ हुए ने एको दिन च, उन्होंने बारे च गल कर लगा वा। सो उस तो पहला मेरी थोड़े अगर रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो। इस चैनल पर असी बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दिया न्यूज़ टिप्स ट्रिक्स थोड़े नाल शेयर करने हैं। जे तुहानू वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हों का भी बेनीफिट हो सके। सो बिना होर देर कीते आया शुरू करने हैं अज का वीडियो। अज का वीडियो हैगा जी 2 PNP ड्रॉस। 2 PNP ड्रॉ सिंगल डे च हुए ने, एको ही डेट नू 2 PNP ड्रॉ हुए ने। की ड्रॉज ने, ते दो ड्रॉ हैगे ने। एक ड्रॉ किया जी ओंटेरियो ने और दूसरा किया मैनिटोबा ने। मैं ओंटेरियो की पहले गल करांगा क्योंकि ओंटेरियो इमीग्रेशन का बेसिकली एक इंजन है। सो अगर 10 इमीग्रेशन होंदिया ने ते 5 का शेयर ऑलमोस्ट ओंटेरियो लै जांदा है। सो ओंटेरियो सारियां दे प्रोविंसेस नू जोड़ के भी सब तो अगे आ जांदा है। सो 50% जिहड़ी इमीग्रेशन हुंदी है उहदा शेयर ऑलमोस्ट ओंटेरियो कोल रहिंदा है। सो इस करके ओंटेरियो दी मैं पहले गल कर रहा हाँ। सो ओंटेरियो दा PNP ड्रॉ होया, की ड्रॉ है वह देखने हैं। उस तो पहला क्योंकि हुंदा की है कि कई सारी चीज़ां ने कि कलैरिटी नहीं हैगी लोगों कि यह ड्रॉ किस कैटेगरी होया। ड्रॉ तो होंदे रहिंदे ने लेकिन यह किस कैटेगरी PNP ड्रॉ होया यह समझना बहुत जरूरी है। सो उदे तो वास्ते तुहानूं जरूरी है कि तुसी एक बार ONP दी कैटेगरीज़ नूं समझ लो। सो ओंटेरियो दी PNP कैटेगरीज़ की ने, आसान तरीके नाल समझना होवे ते तुसी ए देखो 3 मोटे तौर ते कैटेगरीज़ ने। एक हैगी है जिहड़ी कि एक्सप्रेस एंट्री नाल लिंक्ड है। सो एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड। एक हैगी है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरस्ट, ए एक्सप्रेस एंट्री नाल लिंक नहीं है। सो तीजी कैटेगरी है जिहड़ी कि एंटरप्रेन्योर वास्ते है, इहदे विच वी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरस्ट करना पैंदा है, थोड़ी जी मैट्रिक्स दूसरी है। सो अगर असी गल करिए ते इह 3 मोटे तौर ते कैटेगरीज़ ने ओंटेरियो PNP दियां। हुण अज दा जिहड़ा गल हैगी है वह हैगी है एक्सप्रेस एंट्री दे विच, जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया एक्सप्रेस एंट्री दे विच फैडरल दे विच तुहाडी प्रोफाइल होनी लाजमी है, मस्ट है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। जे तुसी ओंटेरियो दे विच एक्सप्रेस एंट्री च ड्रॉ दे विच आना चाहते हो तो फैडरल च प्रोफाइल होनी जरूरी है। सो ओंटेरियो दी एक्सप्रेस एंट्री नाल लिंक्ड, फैडरल दे नाल लिंक्ड जिहड़ियां हैगियां ने वो कैटेगरीज़ कि ने, वो कैटेगरीज़ क्विकली देख लैने आ। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल दे अंदर ही टैक ड्रॉ भी आंदा हैगा। उस तो बाद ओंटेरियो स्किल ट्रेड, उस तो बाद जिहड़ी है फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर जिन्हों FSSWB कहते हैं। सो अज जिहड़े ड्रॉ की गल करन लगे हैं जी, वो गल करन लगे हैं असी ओंटेरियो स्किल ट्रेड की। मैं इत्थे एक चीज़ क्लीयर कर दिया कि स्किल ट्रेड हुंदा की है। सो स्किल ट्रेड भी बेसिकली देखा जाए तो एक कंपलसरी है, एक नॉन कंपलसरी है। सो कंपलसरी स्किल ट्रेड जिहड़े ने ओंटेरियो कॉलेज ऑफ स्किल ट्रेड तरफों उन्होंने सर्टिफिकेशन हुंदा हैगा, जिमें कि इलैक्ट्रीशियन ने, जिमें कि प्लंबर ने, ऑटो बॉडी टैक्नीशियंस हैगे ने, जिमें कि ट्रक ट्रेलर टैक्नीशियंस ने, रेफ्रिजरेटर टैक्नीशियंस ने, इन्हों का तुहानूं एग्जाम पास करना, सर्टिफिकेशन हुंदी है इन्हां दी प्रॉपर। सो ये एक बॉडी नूं इहनूं रेगुलेट करती हैगी है। सो एक कंपलसरी ने इहदे अंदर, ओंटेरियो स्किल ट्रेड के अंदर कंपलसरी और नॉन कंपलसरी दोनों आते हैं। अज जिहड़ी गल करन लगे हां जिहड़ा ड्रॉ मार्च 24 नूं होया वह होया ओंटेरियो स्किल ट्रेड का। सो अगे गल करने हां, एक बार मैं तुहानूं क्विकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरस्ट, ये वह कैटेगरी है जिहदे वास्ते प्रोफाइल नहीं चाहिए फैडरल दे विच, प्रोफाइल नहीं चाहिए, यह वो कैटेगरी है। सो ये अंदर जिहड़ा हैगा ग्रेजुएट स्ट्रीम हैगा, ये अंदर जिहड़ा हैगा इंप्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम है, अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम मास्टर्स है और PhD स्ट्रीम हैगा। सो अगर मास्टर्स जिहड़े बच्चे इत्थों मास्टर्स करते हैं
ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਏ ਔਰ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕਿੱਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੀਸਿਟਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਓ ਆਈ ਐਨ ਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੀ ਜੀ ਡਬਲਿਊ ਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਜੀ ਡਬਲਿਊ ਪੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਚੋਇਸ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਅ ਦੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਰਦਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 471 ਕੈਂਡੀਡੇਟ 471 ਸੋ 471 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਰ ਐਸ ਸਕੋਰ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਓਨਟੈਰੀਓ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 471 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 24 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਮਾਰਚ 24 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਓਨਟੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੇ ਸੀ ਆਰ ਐਸ ਕੈਪ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸੋ ਕੈਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ 600 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 6 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ONIP ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਓਵਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ 6 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੈਲਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ CLB 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ
सिर्फ 2022 की गल हो रही है, 2022 के अंदर। सो अगर यह गवर्नमेंट की वैबसाइट देखी जाए तो तुसी देखो कि करीब करीब इस वक्त 2200 के करीब हो चुके ने हुण तक स्किल ट्रेड के अंदर ड्रॉस। सो कल्ले कल्ले एक कैटेगरी पीएनपी की सिर्फ इको कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट इन्होंने 2200 लोग बुला लेते हैं, मोर दैन 2200 स्किल ट्रेड के अंदर अंदर। सो अगर इन्हों का फरदर एनालिसिस इो चीज़ का मैं इतने तुम दिखाव तो यह एनालिसिस है। सो हूँ तक यह जेडे ड्रॉस होए ने मार्च होया, फरवरी होया और जनवरी ड्रॉ होया। सो तीन ड्रॉ हूँ तक हो चुके ने एक्सप्रेस एंट्री स्किल ट्रेड के अंदर। ये ओंटेरियो की गल हैगी है। मूव ऑन करने मैनीटोबा से। सो मैनीटोबा का भी पीएनपी ड्रॉ होया और वह भी मार्च 24th नूं ही होया। सो इको डेट दो ड्रॉ हुए हैं। मैनीटोबा का जिहड़ा पीएनपी ड्रॉ होया, पहले मैनीटोबा की क्विक स्नैपशॉट देख लें कि मार्च महीने की होया। सो मार्च महीने के बेसिकली चार ड्रॉ मैनीटोबा कढ़ चुका है। जिहड़ा ए ड्रॉ होया मार्च 24th नूं होया, उस तो पहला मार्च 18th नूं भी हो चुका है। मार्च 24th नूं 191 लैटर ऑफ एडवाइस टू अपलाई होया है। मार्च 18th नूं जिहड़ा ड्रॉ होया वह एक यूक्रेन वास्ते ड्रॉ होया। कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो कि हमेशा तो ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रैस देंदी हैगी है, उन्होंने और प्रोविंसेस ने भी कोशिश की है। फैडरल लैवल से भी यूक्रेन वास्ते एक प्रोग्राम आया है और प्रोविंसेस ने भी अपने वालों एक कोशिश की हैगी है कि यूक्रेन स्पैसीफिक ड्रॉ कढ़िया जाए। तो मैनीटोबा हूँ तक दो यूक्रेन स्पैसीफिक ड्रॉ कढ़ चुका है। सो एक उन्होंने 18 तरीक न कढ़िया सी, उस तो पहला जिहड़ा है मार्च 10 नूं उन्होंने 120 दा लोगों नूं बुलाया सी और मार्च 9 नूं इह वी यूक्रेन का ड्रॉ है। सो मार्च 9 नूं भी इन्होंने 71 लोगों नूं बुलाया है। सो 71 and 16 हुण तक ये बुला चुके ने, ऑलमोस्ट 87 लोग यूक्रेन तो यह बुला चुके हैं। सो जिते कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की है, साढ़े वालों भी एक छोटी जी कोशिश है कि अगर यूक्रेन का कोई भी केस साढ़े को आता है असी कोई फीस नहीं चार्ज करते। सो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट असी यूक्रेन के केसिस नूं प्रोसैस कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि कैनेडियन गवर्नमेंट कोई फीस नहीं चार्ज कर रही, असी भी कोई फीस नहीं चार्ज कर रहे। सो छोटी जी कोशिश साढ़े वालों भी हैगी है एक्सप्रेस एंट्री जिहड़े भी यूक्रेन के केसिस ने उन्हां वास्ते। सो अगे चलने हैं, ये तो हुई मार्च के ड्रॉ की गल, जे टोटल हुण तक मार्च हो चुके हैं। जिहड़ा कल ड्रॉ होया है मार्च 24 का, असी मार्च 24 के ड्रॉ अगर देखिए तो मार्च 24 का ड्रॉ जिहड़ा है 191 कैंडिडेट्स टोटल इनवाइट किए गए हैं। सो उहदे विच जिहड़ा है टोटल 102 जिहड़े ने वो इनवाइट किए गए ने स्किल्ड वर्कर्स इन मैनीटोबा, 64 जिहड़े इनवाइट किए गए ने वह स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज ने और 25 जिहड़े ने इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम दे ने। सो अगेन इन्हां चों 33 लोग ऐसे ने, 33 ऐसे ने जिन्हां नूं इनवाइट जिहड़ा एक्सप्रेस एंट्री की जिन्हां की आई डी सी उन्हां नूं इनवाइट किया गया। सो तुसीं हुण खुद समझ सकते हो कि एक्सप्रेस एंट्री की आई डी होना किन्ना ही जरूरी है। सो ये मार्च 24th दे पी एन पी मैनीटोबा दे पी एन पी ड्रॉ का एनालिसिस है। सो अगे चलने क्विकली। सो मैनीटोबा पी एन पी ड्रॉ, ड्रॉ नंबर 141 होया है। सो अगे यही डिटेल इतने कवर की गई है। सो मैनीटोबा दी एक बार पी एन पी कैटेगरीज भी क्विकली नज़र मार लें। सो मैनीटोबा दी पी एन पी कैटेगरीज जिहड़ियां ने बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन हिस्सों डिवाइडेड ने, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम और बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम। हर प्रोविंस, मैं तुहानूं पहले भी किया है और फैडरल लैवल से भी मैं गल कह चुका, हर प्रोविंस जिहड़ा है बिजनेस दे वास्ते एंटरप्रेन्योर्स वास्ते एक कैटेगरी जरूर रखता है, तो इन्होंने भी रखी हुई है। स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम जिहड़ा है वो बेसिकली दो डिवाइडेड है, स्किल्ड वर्करस इन मैनीटोबा एंड स्किल्ड वर्कर ओवरसीज। सो इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम जिहड़ा है वो तीन डिवाइडेड है, कैरियर इंप्लॉयमेंट, ग्रेजुएट इंटर्नशिप एंड दैन यू हैव स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम। सो बिजनेस इन्वेस्टर जिहड़े ने वो दो कैटेगरीज डिवाइडेड ने, एंटरप्रेन्योर एंड फॉर्म इन्वेस्टर। सो ये ओवरऑल कैटेगरीज ने जड़िया की मैनीटोबा दियाँ पी एन पी कैटेगरीज ने। सो इस तो बाद असी एक बार क्विक मैनीटोबा के पॉइंट्स की भी झात मार लें। मैनीटोबा के पॉइंट्स के जी स्पैशल चीज़ है वो है नैगेटिव मार्किंग। सो अगर तुसी इस प्रोविंस तो नहीं पढ़े या तुसी कोई होर रीज़न करके इतने इंपलॉयड नहीं हो, इतने नहीं रहते, तो नैगेटिव मार्किंग भी होंगी हैगी है मैनीटोबा के पी एन पी पॉइंट्स के। सो
ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ 2 ਡਰਾਅ 758 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਰਾਅ 551 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ 'ਚ 4 ਡਰਾਅ 398 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੀਐਨਪੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਅਵਰ ਆਫਿਸ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਐਂਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਾਚਿੰਗ, ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਯੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।